जनपद में नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। घाघरा और रोहिन नदी एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जबकि राप्ती, सरयू एवं गुर्रा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट करने के साथ सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं बाढ़ से प्रभावित सहजनवा तहसील के ग्राम चक चुहरा में दो छोटी नाव, विडार में दो छोटी नाव, ग्राम गहिरा में एक मझोली नाव, तहसील कैंपियरगंज के ग्राम बुढ़ेली में दो मझोली और एक छोटी नाव, अर्गलपुर एवं चंदीपुर में नावों की जरूरत नहीं है तथा गोला तहसील के ग्राम बलथर में एक छोटी नाव सहित जिले के कुल बाढ़ प्रभावित 8 गाँवों में जिला प्रशासन ने 10 नावों को उपलब्ध कराया है, जिसके संबंध में आपदा प्रबंध प्राधिकरण के विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि घाघरा और रोहिन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राप्ती नदी भी धीरे धीरे खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। सभी विभागों को सतर्क कर दिया गया है, साथ ही तटबंधों पर निगरानी रखी जा रही है। अभी स्थिति सामान्य है, कहीं से भी किसी भी प्रकार के जनहानि पशु हानि की सूचना नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी वर्तमान समय में घाघरा और रोहिन नदी अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं और राप्ती नदी भी बहुत स्लाइट वृद्धि दर्ज की गई है, ऑलमोस्ट डेंजर के करीब ही है। तो इस एहतियातन सभी बाढ़ चौकियाँ इस समय वर्तमान में क्रियाशील है। आज भी सारे ऑफिसर्स फील्ड में ही हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं और जो नदियों के जलस्तर के बढ़ने के कारण जहाँ भी अगर कहीं आवागमन बाधित हुए हैं वहाँ पर हम लोगों ने एहतियातन नाव लगा दी गई है कि सुरक्षित आवागमन हो सके और लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही है। अलर्ट हम लोगों ने 3 दिन पहले ही इसको लेकर के जारी कर दिया था, क्योंकि ये जो ऊपर से पानी जिस तरीके से आ रहा है, क्योंकि जो पहाड़ों पे वर्षा लगातार हो रही है उसकी वजह से इस नदी का जलस्तर बढ़ा है, क्योंकि गोरखपुर में ऑलमोस्ट 13 नदियों का पानी आता है, तो इसलिए इसके एहतियातन 3 दिन पहले ही अलर्ट जारी किया गया था और लगातार लोग जो टीमें हैं वो लगातार फील्ड में हैं और उस पर सतत निगरानी रखी जा रही है।